19 दिसंबर को बरेली से शिकोहाबाद के गिहार बस्ती में बारात आनी थी। आरोप है कि युवक दहेज के रुपए मांग रहा है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है, वहीं पुलिस ने वरपक्ष के दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि गिहार कॉलोनी निवासी महावीर ने बेटी का विवाह योगेंद्र निवासी भोजीपुरा कंचन बरेली के साथ तय किया था। विवाह तय होने के बाद 6 महीने पहले उसने लग्न पक्का कर दिया। लग्न पक्का होने के बाद सभी लोग खुश थे, युवती भी शादी के सपने सजोए हुए थी। लेकिन गुरुवार शाम को वरपक्ष ने युवती के पिता से अचानक 2 लाख रुपए की मांग कर दी। युवती के पिता को समझ नहीं आया कि वह अचानक 2 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेगा। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, बाजार से खरीदारी की जा रही थी क्योंकि 19 दिसंबर को बारात आनी थी। मामले में दोनों पक्षों में दहेज को लेकर कहासुनी हो गई। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है, उसके बाद युवती पक्ष के लोग वरपक्ष के दो लोगों को पकड़कर देर रात थाने पर पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती के पिता का आरोप है कि सारी बात तय होने के बाद शादी से कुछ दिन पहले कई सामान व रुपए की डिमांड की है, अचानक से धन की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि वर पक्ष अतिरिक्त सामान व रुपए की लड़की पक्ष से मांग कर रहा था। 19 दिसंबर को बारात आनी है, ऐसे में इनकार के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है। जी सर, ऐसा है, मेरी लड़की की शादी तय है 19 तारीख की। अच्छा। और ये बरेली से आगे भोजीपुरा मोहल्ला कंचनपुर है, और इसकी मांग में सर 6 महीने पहले लगन टीका दिया आया, और मैं मोचीगिरी एक काम करता हूँ, पत्ता पर चौराहे सुखाबाद में बैठता हूँ। अब मुझ पर सर जितना बन उनकी मांग थी वो कर दी, अब एंड टाइम पे 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं सर। अब मैं कहाँ, घर बेच के दे दूँ का बच्चे बेच के दे दूँ। कब की शादी है? इसी 19 तारीख की, आज से 10 दिन रह गए हैं। लगन टीका हो चुका? लगन टीका हो गया सर। ये फोटो भी है मेरे पास, ऊपर उठाओ दिखा। देखिए ये फोटो है मेरे, कार्ड छपे हुए हैं, कार्ड भी दिखा। अब मेरे रिश्तेदारी में क्या बेइज्जती होगी, मोहल्ले में क्या बेइज्जती होगी। तो आपने पुलिस से शिकायत थी, वो लोग क्या कहा? पुलिस में शिकायत कर दी, तो मैंने ये लड़के का भाई है बड़ा, और लड़के का पिताजी है, लड़के को फरार कर दिया, भाग गया वो।